नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। मोदी ने कहा कि विनम्र एवं मिलनसार डॉक्टर हर्षवर्धन जी को उनके जन्मदिन के मौके पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने स्वयं को एक मेहनती और निरंतर काम करने वाले प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वह स्वस्थ भारत को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन शुक्रवार को निशागांधी सभागार में केरल के 24वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFF के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान श्री विजयन अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता फर्नांडो सोलाना को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करेंगे। श्री AK बालन समारोह की अध्यक्षता करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्री रामकृष्ण मुख्य अतिथि होंगे। कल देश भर में कई राज्यों में बेमौसम बरसात हुई। इस बरसात ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बेमौसम बरसात और ओले पड़ने से मध्य प्रदेश और हरियाणा में फसलें बर्बाद हो गई हैं। कल जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों के बड़े नुकसान की आशंका है। बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसानों को मदद का भरोसा दिया है। संसद के दोनों सदनों से पास सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल JDU ने जहां सदन में नागरिकता बिल का खुला समर्थन किया है, वहीं सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर समर्थन से नाराज प्रशांत किशोर को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार देर रात नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। इससे यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाला एक अधिनियम बन गया है। दूसरी तरफ असम में गुरुवार को 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। नागरिकता संशोधन विधेयक कानून की शक्ल ले चुका है। इस बिल का पूर्वोत्तर राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। असम और त्रिपुरा के बाद अब विरोध की चिंगारी मेघालय पहुंच चुकी है। वहां सरकार ने एहतियातन मोबाइल इंटरनेट और SMS पर रोक लगा दी है। राजधानी शिलोंग में हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में दाखिल सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 5 जजों को संवैधानिक पीठ ने बंद चैम्बर में 9 नवंबर आए अयोध्या मामले पर आए फैसले के खिलाफ दाखिल की गई सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। पीठ ने इनकी मैरिट पर भी विचार किया और स्वीकार करने लायक नहीं पाया, लिहाजा सभी को एक झटके में खारिज कर दिया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इमरान हमारे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने की बजाय अपने देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। हमें उनके हर बयान का जवाब देने की जरूरत नहीं है। इमरान ने नागरिकता विधेयक को लेकर गुरुवार को कई ट्वीट किए और भारत की आलोचना की थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन द्वारा भारत दौरे को रद्द किए जाने के बाद बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने भी अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। दोनों का यह दौरा नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने से उत्पन्न स्थितियों के चलते हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार मोमेन ने गुरुवार से शुरू होने वाली अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा आज यहां पहुंचने के निर्धारित समय से चंद घंटे पहले अचानक रद्द कर दी। रूस के एकमात्र विमानवाहक एडमिरल कुज़नेत्सोव मॉस्को स्थित मुर्मानस्क के आर्कटिक सागर बंदरगाह में मरम्मत के कार्य के दौरान गुरुवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 6 लोगों के घायल होने और एक व्यक्ति के लापता होने की खबर है। डीजल ईंधन वर्तमान में जल रहा है और अग्निशामक इसे नियंत्रण में लाने के लिए फोम का उपयोग कर रहे हैं। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ के साथ।